नमस्कार बच्चों, फिर एक बार आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में, यानी कि प्रीवियस जो कक्षा था, उसमें लेसन एक नया लेसन शुरू किया था, वो है माइग्रेशन। और उसी के जो है अंतर्गत एक पार्ट जो है कंप्लीट हुआ था, उसका दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कोई रिव्यू देख लेते हैं। तो माइग्रेशन के अंतर्गत हमने किस किस चीज को देख लिए थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखे थे द थ्री वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, और एक था माइग्रेशन एंड इट्स चेंजिंग टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी तात्पर्य क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये दोनों के अंतर को मैंने बताया था। इसके अलावा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन देखे थे हम लोग। जो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में क्या होता था, तो ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर, और शहर से शहर, शहर से ग्राम, यानी कि अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, ये जो स्ट्रीम्स जो है वो भी हमने देखे थे। इसके अलावा तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन भी हमने देखा था, इसके अंतर्गत हमने परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पररी माइग्रेशन, इसके बाद कम्यूटिंग, जो डेली माइग्रेशन होता है, जो सुबह जाता है फिर शाम को वापस आ जाता है, ऐसा माइग्रेशन के बारे में हमने पढ़े। इसके अलावा इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, इसके बारे में भी हमने बहुत सी बातों को जो है डिस्कस किए थे। और उसी का सिलसिला, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हम, एक माइग्रेशन रह गया था, उसमें था इंटरनेशनल माइग्रेशन। चलिए आज हम देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन के तहत अब देखेंगे ये इंटरनेशनल माइग्रेशन है क्या। एक्चुअली इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स कंट्री के जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर जाना, यानी कि जियोपॉलिटिकल बॉर्डर से बाहर हो जाना, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है इन माइग्रेशन और एक होता है आउट माइग्रेशन, दैट मीन्स इमिग्रेशन और एक होता है ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स इन माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन मीन्स आउट माइग्रेशन, यानी कि जो देश से बाहर जाना और एक देश से अंदर आना। और इंडिया का जो अनुभव ये बताता है, क्योंकि भारत के जो दृष्टिकोण अगर देखेंगे हम लोग, इसमें यही देखने को आता है, क्योंकि जो इन माइग्रेशन है, यानी कि भारत अपने पड़ोसी जो देशे हैं, जितने भी देश है, पड़ोसी देशों की जो शरणार्थी है, जो नेबरिंग कंट्रीज के, वे सब जो है भारत में बहुत बार आ चुके हैं। और इसका कम से कम 5 मिलियन पर्संस, एक अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट, मोर देन 5 मिलियन पर्संस रिपोर्टेड फ्रॉम द आउटर, यानी कि दे आर इनकमिंग, यानी कि इमिग्रेशन इन इंडिया, भारत में जो वो दूसरे देशों से प्रवेश कर गए। और इसमें हम लोग एक चीज और देखेंगे, इसमें भी जो 96% है मुख्य रूप से तीन देशों से आते हैं, मुख्य रूप से जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, तो इंडिया एक्सपीरियंसेस लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। जस्ट वी विल सी इन द पिक्चर, हियर इज अ मैप, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कम से कम जो 96%, जो 5 मिलियन जो पॉपुलेशन जो भारत में प्रवेश कर गए दूसरे देशों से, जो माइग्रेशन हो गए, माइग्रेट हो गए, जो 2001 का जनगणना का जो है वो आंकड़ा ये बताता है, तो उसके हिसाब से इसमें 96%, यानी कि 96% दे केम फ्रॉम द नेबरिंग ओनली 3 कंट्रीज, यानी कि 3 देशों से ही आ रहे हैं। ये कौन कौन से देश है इसमें देखते हैं हम लोग, यहां पर बांग्लादेश, यहां पर नेपाल, नेपाल के बाद यहां देखते हैं हम लोग, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये हिस्सा, ये है पाकिस्तान, यानी कि ये हमारे पड़ोसी देश है। यानी कि 96% जो 5 मिलियन जो पॉपुलेशन था, 50 लाख का जो पॉपुलेशन था, वो सिर्फ इन 3 देशों से जो है भारत में पहुंचे,
बांग्लादेश, इन तीन देशों से जो है उसका प्रमाण हमारे पास है। और जो बाकी जो 5% जो बच गए, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेपाल का, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेशी है, जिसका जो है 3 मिलियन लोग, 3 मिलियंस बांग्लादेश के, और पाकिस्तान के हैं 0.9 मिलियन, ये पर देखते हैं हम लोग 0.9 मिलियंस, और नेपाल के हैं 0.5 मिलियंस, 0.5 मिलियंस। इसके अलावा जो बचे कुछ हैं श्रीलंका से कुछ आए, और भूटान से, यानी कि और इस तरह से जो है और कई देशों से आने वाले लोग भी है, अदर्स में आ जाते हैं वो। इस तरह से देखते हैं कि भारत में जो माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ हमको देखना है कि जैसे ये 50 लाख भारत में आए, प्रवेश करे, ये तो इमिग्रेशन हो गया, लेकिन इमिग्रेशन की संख्या कोई कम नहीं है, यानी कि आउट, भारत से जाने वाले, बाहर जाने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। और उसका जो आंकड़ा ये बताता है, तो 2001 का जो आंकड़ा ये बताता है, कम से कम 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ जो लोग हैं वो भारत के बाहर है, और कम से कम ये 110 देशों में फैले हुए हैं, 110 कंट्रीज भारत के जो लोग हैं वो ही माइग्रेट कर गए, यानी कि भारत चले गए और वहाँ जाके वो अपना बसेरा बना लिए, मतलब अपना घर बना लिए। तो ये एक बड़ा माइग्रेशन है, ये हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी कि हम अगर भारत में स्थानिक तौर पर जो माइग्रेशन है उसको अगर देखने चलेंगे तो उसमें क्या वेरिएशन है, क्या अलग अलग चीजें हैं वो देखने को मिलता है, ये देखते हैं हम लोग वेरिएशंस क्या क्या है पूरे भारतवर्ष में। और इसमें हम दो टर्म्स को लेंगे जिसमें जिसके सहायता से हम इस स्पेशल वेरिएशन को देखेंगे हम लोग। एक होता है इन माइग्रेशन और एक होता है आउट माइग्रेशन, यानी कि जो 2 टर्म्स है, एक इन माइग्रेशन और एक होता है आउट माइग्रेशन। ये दोनों को ध्यान में रखते ही जो है हम लोग देखेंगे कि स्थानिक वेरिएशन कैसा है। एक्चुअली भारत इतना बड़ा है कि इसके जो पड़ोसी जो देश है, कई देशों से इसका जो है संबंध है, यानी कि जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत का जो है कई देशों से जो है वो इंटरनेशनली जुड़ा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका है, तो यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह से हर देश से जो जुड़ा हुआ है, हमारे बाउंड्री लाइन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर चीन भी है, चीन के साथ भी हमारे संबंध है। इस तरह से तो वेरिएशन देखेंगे हम लोग, जो माइग्रेशन का वेरिएशन बिल्कुल देश के अंदर, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो यहाँ से माइग्रेट होके बहुत सारे शरणार्थी जो है वो भारत में आते हैं, और उदारता के कारण उनको रहने भी देता है भारत, यही अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग भारत के अंदर जितने राज्य हैं इसके अंदर जो वेरिएशन है वो कैसे दिखते हैं। इसमें स्टेट्स जो सबसे ज्यादा जो रिसीविंग करता है, जो माइग्रेंट जो आता है, जो स्टेट्स रिसीविंग हाई नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स, दैट इज महाराष्ट्र। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो स्टेट है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर में जो माइग्रेंट है वो बाहर से जो है वो आते हैं, और दैट मीन्स द मोस्ट प्रोबेबली द लार्जेस्ट माइग्रेंट रिसीविंग स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र। इसके अलावा ये तो महाराष्ट्र भी डेवलप्ड है, इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, यहाँ पर देखते हैं दिल्ली, ये हो गया गुजरात, और जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स है, हरियाणा या पंजाब, हरियाणा, तो हरियाणा भी एक स्टेट जहाँ पर दिल्ली के बगल में है, तो इन स्टेट में ये, क्योंकि ये इसमें जो है नगरीकरण ज़्यादा है, अर्बनाइज्ड एरिया है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा है। यानी कि सबसे पहले हम महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, दिल्ली और यहाँ पर हरियाणा, ये उसके साथ साथ चलने वाले ज़्यादा ज़्यादा माइग्रेंट होने वाले राज्य हैं। अब हम देखेंगे सबसे हाई आउट माइग्रेंट्स क्या क्या है, ये अभी हम लोग देखेंगे। इन माइग्रेंट यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आउट माइग्रेंट्स क्या है। आउट माइग्रेंट का मतलब क्या है, अब हम
चलते हैं, इस महाराष्ट्र में आने वाले, दिल्ली में आने वाले, ये कौन स्टेट के हैं? खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा यानी कि करीब करीब 2.6 मिलियन जो पीपल है वो क्या करते हैं, उस राज्य को छोड़कर बाहर राज्यों की ओर वो पलायन हो जाते हैं, यानी कि माइग्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा बिहार, इसका पड़ोसी राज्य है, एक महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, यहाँ पर देखते हैं, एक हो गया यूपी एंड बिहार, ये जो है सबसे हाईएस्ट, ये क्या है, इसके बिल्कुल उल्टा, यानी कि आउट माइग्रेंट, यानी कि यहाँ से लोग अधिकतर जो है बाहर की तरफ चले जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पर जितने भी नगर है जो अर्बन एरियाज है दे ऑल आर एक तरह से जो है ना वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो चले जाते हैं, और इस तरह से नगर जो है वो जो नगरों को जो है बढ़ाने में, वो एक्सपेंड करने में जो है इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, महाराष्ट्र में एक मुंबई, महाराष्ट्र में एक मुंबई ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि बिल्कुल महाराष्ट्र में मुंबई में होने का कारण क्या है कि यहाँ पर देश के हर कोने से लोग जो है यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर क्यों जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यह मनोरंजन का एक बहुत बड़ा अड्डा है, और वो वहाँ पर नगर का हर वो सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, सब कोई हीरो बनने चाहता है, सब कोई गाना गाना चाहता है, तो इस तरह के जो आकर्षण है वो यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो है वो इमिग्रेंट का सबसे बड़ा अड्डा हम बोल सकते हैं। इसके बाद तो ये हो गया स्पेशल वेरिएशंस इन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। अब हम चलते हैं इसके कारण क्या है, कॉजेस, चलिए हम देखते हैं रीजन क्या है, क्या रीजन है कि इतने लोगों में माइग्रेशन जो माइग्रेट क्यों कर जाते हैं। इस माइग्रेशन के पीछे जो रीजन है, जो कॉजेज है, उसको भी हम जो है दो कैटेगरी में कर सकते हैं, वी कैन बी फुट अंडर टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज फोर्स फैक्टर्स, द सेकेंड वन इज पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो बाहर को पुश करते हैं, पुल फैक्टर्स जो खींचते हैं। चलिए विचार करते हैं अभी हम लोग कि पुश फैक्टर्स क्या है, ये पुश फैक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, द पुश फैक्टर मीन्स क्या है देख लेते हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच हग्स पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। यानी कि कुछ फैक्टर ऐसे फैक्टर से जो उस व्यक्ति को या उस रेसिडेंस को मजबूर कर देते हैं कि अपना जगह को वो छोड़ दे, जहां वो पैदा हुआ या फिर वहां से ओरिजिन है, छोड़ दे। जैसे अब ये उदाहरण देख लेते हैं, फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं कुछ फैक्टर्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कुछ फैक्टर्स कहाँ पर होंगे देखते हैं। जो कुछ फैक्टर है खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, पुश फैक्टर मतलब वहीं से इसका संबंध होता है, गांव से, यानी कि रूरल एरियाज, दैट मींस गांव, विलेज क्या करता है। पुश फैक्टर में सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहां पर जो पुश फैक्टर के अंतर्गत आता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर ले लेते हैं हम लोग। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर देखते हैं हम लोग साइक्लोन आता है, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर साइक्लोन आया था, साइक्लोन स्टॉर्म, अर्थक्वेक आता है, और भारत में तो एक सुनामी का भी एक एक्सपीरियंस है, सुनामी आता है। तो ऐसे समय में ऐसे जो क्षेत्र है वो क्या करते हैं, पुश फैक्टर काम करते हैं, यानी कि वहां पर लोग रहना नहीं चाहते हैं, भागेंगे वहां से, तो ये सब मजबूरियां हैं तो भागेंगे वहां से लोग, ये कारण हो गया कि ये नेचुरल डिजास्टर। सेकंड होता है, ये हो गया नेचुरल डिजास्टर, सेकंड देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल एंड लोकल कंफ्लिक्ट्स ले लेते हैं, पॉलिटिकल एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे अभी कभी कभी देखते हैं वार, दो देशों के बीच में वार हो गया,
यानी कि लोग वहां पर ग्रह युद्ध हो गया, आपस में लड़ते हैं। यहाँ पे और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, यानी कि हमेशा जो कोई स्थिर सरकार नहीं है, कोई सरकार जो है वो कभी टूट जाता है, कभी आपस में लड़ते हैं ये, ठीक है। और ऐसे स्थिति में भी जो है लोग उस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, ये सब जो है वो उसके कारण है। पॉलिटिकल उथल पुथल होने से भी जो है, राजनीतिक दबाव होने से भी वहां से लोग पलायन हो जाते हैं, चले जाते हैं, ये कारण है। तीसरा देखते हैं हम लोग, ये सब पुश फैक्टर्स है, ये सब जो है वो आदमी को पुश कर देता है कि भाई आगे जाओ। इसके बाद देखते हैं पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी एक मेन कारण है, गरीबी। इसके बाद देखते हैं हम लोग, गरीबी में जो है आदमी को मजबूर कर देते हैं भाई वहां से घर छोड़ दे वो, क्योंकि कुछ भी नहीं रहता उसके पास, ना खान पाने के लिए रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ भी देखने को मिलता है, खास करके रूरल एरियाज में ज्यादा मिलता है, और लोग जो है उस तरह छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, इसी का एक पुश, जो पुश कार फैक्टर्स हम बात करते हैं, इसमें देखे होंगे कि हाई पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर। हाई पॉपुलेशन से मतलब क्या, ज्यादा पॉपुलेशन होने पर क्या होता है कि वहां का जो संसाधन है, जो भूमि है, लैंड है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, यानी कि उत्पादन उसको ज्यादा चाहिए, यानी कि लोग बढ़ेंगे तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाता है, उसका भी जो प्रेशर जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद एक और चीज आता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पांचवा है, इसमें ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके गांव में देखते हैं हम लोग, तो वहां पर ये सारे चीज फैसिलिटी जो बहुत कम रहता है। हेल्थ केयर, छोटा सा प्राइमरी होगा वहां पर, हेल्थ सेंटर होगा जहां पर दवाइयों की सेवा और कुछ नहीं होगा, कुछ और थोड़ा ज्यादा हो गया तो आगे बढ़ना है। एजुकेशन वहां पर फिफ्थ तक होगा या फिर एट तक होगा, उसका आगे का जो एग्जाम एजुकेशन है वो कहीं शहर में जाके करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितने भी पुश फैक्टर्स है, ये ज्यादातर रूरल एरियाज में जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये कारण है कि लोग जो है रूरल एरिया को छोड़कर माइग्रेट हो जाते हैं, जहां पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक मात्रा में मिले वहां चले जाते हैं। फुल फैक्टर्स वो होते हैं, रिफर टू फैक्टर्स विच दे द फुल, यानी कि फुलिंग, यानी कि दे अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। मान लेते हम लोग फुल फैक्टर मीन्स द फैक्टर्स विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। चलिए इसके कुछ बात करेंगे हम लोग, सम ऑफ देम वी विल डिस्कस हियर। द फर्स्ट वन, द फुल फैक्टर्स, दैट इज बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ले लेते हैं हम लोग, एजुकेशन का भी है। तो दीज आर एक्चुअली रिलेटेड टू अर्बन एरियाज वेयर द डेवलपमेंट इज टेकन प्लेस। तो पुल फैक्टर जो खास करके अर्बन क्षेत्र में होता है, जहां पर डेवलप्ड होता है वो, और इसमें जो बेटर अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज जो वहां पर ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा मतलब अधिक जो उच्च शिक्षा जो है वो यहीं पर हमको मिलेगा। इसके अलावा इसी का ध्यान में रखते हुए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज भी जो है हमको नगरों में मिलेगा, और ये जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, खास करके जो बड़े ऑपरेशन है वो हम हेल्थ वहीं पर कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल रहे, और ये अवेलेबल कहाँ रहेगा, अर्बन एरिया में रहता है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट बात करेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। Entertainment भी जो हमको खास करके नगरों में मिलेगा, they are the pull factors। और इसके बाद चौथा फैक्टर की बात करेंगे हम लोग, इसके अलावा जो
खास करके ये तो मेन हो गया अपॉर्चुनिटीज को लेकर। दूसरा जो फैक्टर्स है वो मजबूर करते थे कि भाई वो करे। इसके बाद देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट, ये एक मेन फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जो वो प्रोवाइड करता है अर्बन एरिया, जो टाउन होते शहर होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और ऊपर से प्रोवाइड भी करता है। तो लोग जो एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है वो गांव से निकलकर शहर की तरफ जो है वो लोग ज्यादा जाते हैं। कंसीक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, दैट मीन्स परिणाम क्या होगा अगर माइग्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ से वहां से लोग अगर ज्यादा इधर उधर होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। तो हम देखते हैं मोटे तौर पर जो माइग्रेशन है, खास करके जो मूवमेंट होता है जो लोगों का, जहाँ पर लो अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर कम है, बहुत कुछ कम है, जो कमियाँ हैं और वहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको सेफ्टी भी नहीं है, लो सेफ्टी है, उस क्षेत्र से जहाँ पर ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, हायर अपॉर्चुनिटीज, और उनको लगता है कि यहाँ पर बेटर सेफ है वो लोग, ऐसी जगहों की ओर जो पलायन हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और ऐसे में इसका रिजल्ट क्या होता है, जो रिजल्ट अभी सामने आता है कि एक क्षेत्र जो है वो डेवलप्ड हो गया, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, सोशली बहुत अच्छा है, और एक क्षेत्र देखते हैं हम लोग कल्चरली जो है वो पूरा जमावड़ा है, पूरा कल्चर जो है मिक्स कल्चर हो गया है, और एक जगह देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल जो है वहाँ पर हमेशा उथल पुथल होता है, या फिर कोई अच्छा है, एक नया पॉलिटिकल वहाँ पर बैकग्राउंड है, या फिर राजनीति का एक नया चीज़ वहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह भी जो आपस में जहाँ जहाँ से भी वो निकल के आते हैं, वो वहाँ जाकर वो उस तरह का जो माहौल जो है वो बनाते हैं, और इस तरह से एक तरह का अनइवन है, यानी कि हर जगह पर समानता नहीं है, समान रूप से ये डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता है जो अपॉर्चुनिटीज है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इसमें जो परिणाम है, इसका मेन जो परिणाम है जो समस्याओं को जन्म देता है, ये जैसे कुछ क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं, बेस्ट बेटर अपॉर्चुनिटी में भागते हैं, तो वहीं पर ये कई सारे जो समस्याएं उनका भी जड़ हो जाता है। ठीक है, अब हम परिणाम को देखते हैं हम लोग, हर एक स्तर पर देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग आर्थिक रूप से देखते हैं हम लोग, सामाजिक रूप से देखते हैं हम लोग, या राजनीतिक रूप से भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। ये हो गया आर्थिक जो परिणाम है वो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अगर माइग्रेट हो जाते हैं तो आर्थिक। हर एक चीज का जो है वो दो परिणाम होते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक भी होगा उसका नकारात्मक भी जो है देखने को मिलेगा। खास करके हम पॉजिटिव की बात करें तो इकोनॉमी पॉजिटिव क्या होता है, जब लोग माइग्रेट हो जाए, जैसे अभी भारत से माइग्रेट होते हैं, भारत से कम मैं आपको बताया था 2 करोड़ लोग जो है वो चले गए हैं बाहर दूसरे देशों में रहने के लिए, तो वो जब वहाँ जाते हैं, वहाँ पर नौकरी पकड़ते हैं, तो वहाँ से अपने परिवार को, जो परिवार भारत में छोड़ के गए हैं, उनके लिए वो पैसा भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस के रूप में अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, तो ये जो रेमिटेंस है उनके लिए बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो परिवार वाले जब उनको पैसा मिलता है तो उन पैसों के जरिए वो जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा हो जाता है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो, उनके घर में जो सही से वो भोजन भी मिल जाता है, उनके घर में जो लोन अगर कोई है तो वो माफी हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं वो, तो शादियां भी कर सकते हैं वो। इस तरह से जो है रेमिटेंस का एक पॉजिटिव उसका उदाहरण हमको देखने मिलता है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में, आर्थिक कंतकत। इसके अलावा इसमें एक चीज हम देखेंगे हम लोग, भारत के जो उत्तर भारत में, खास करके पंजाब या हरियाणा, तो ये जो है ना, ये जो क्षेत्र है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक मेन एरिया माना जाता है, इन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और जहाँ पर खास करके उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर ये कहाँ चले गए, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में चले गए, वहाँ पर वो एग्रीकल्चरली काम करे, तभी तो जो है उन्हीं की बदौलत हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हरित क्रांति हुआ, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये दो देश हैं,
राज्य है जिनके कारण ये वहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। खास करके इसके अलावा भी कुछ राज्य जैसे उड़ीसा भी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से लोग पलायन हो गए, वहाँ पर जाके वो काम करें, इसका जो नतीजा है वो देखने को मिलता है। और हम दूसरा देखते हैं, हम लोग एक आंकड़ा ये बताता है 2002 में, एक आंकड़ा बताता है कम से कम $11 बिलियन $11 बिलियन जो है वो भारत को प्राप्त हुआ बिकॉज ऑफ डॉलर्स है, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। अब ये हम देखते हैं ये क्या है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस जो जिसके हम पॉजिटिव जो है वो देखते हैं, रिमिटेंस का मिलना, पैसों को भारत में मिलना, ये एक बड़ी बात है। इसका एक नेगेटिव भी देखते हैं हम लोग, इसका नेगेटिव परिणाम क्या निकलता है कि जब ओवर क्राउड हो जाता है, जब जो माइग्रेशन है वो एक रेगुलेशन में होता तो ठीक था, यानी कि कुछ लोग यहाँ से जाते हैं तो एक जगह पर जाके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के वहां का जो स्थानीय जो आवश्यकता है उसको बढ़ा देते हैं। और अभी देखते हैं हम लोग जो मुंबई है, मुंबई इलाकों में क्या करते हैं, जो देहात से गांव से लोग पलायन करके आते हैं और वहां पर जो है वो धीरे धीरे जहां कहीं भी इंडस्ट्रीज होगा, इंडस्ट्री के चारों ओर जो है वो स्लम जो बना देते हैं, छोटे छोटे घर बना के रहना, वो हाइजीनिक नहीं होता, अनहाइजीनिक होगा, तो उस तरह से वो डेवलप हो जाता है, वो सब जो है बिल्कुल नेगेटिव है। दीज ऑल आर नेगेटिव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। खास करके जिन क्षेत्रों में नगरीकरण हो गया है जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, तो ये क्षेत्र है वो डेवलप्ड क्षेत्र है, यहाँ पर जो है खास करके ये नेगेटिव क्षेत्र जो देखने को मिलता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक और चीज होता है तो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस ये भी जो है एक बड़ा समस्या है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज देखते हैं हम लोग जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक बताता है, जैसे गांव से कोई लोग अगर निकलते हैं तो अपना परिवार यानी कि अपना बीवी को वहां छोड़ देता है, यानी कि अपने पत्नी को वहां छोड़ दिया, यानी कि छोड़ने के बाद क्या होता है, वहां पर जो महिला है उसके ऊपर घर का जो भार है वो ज्यादा हो जाता है और पूरा का पूरा जो घर का संभालने का जो भार है वो उसके ऊपर पड़ता है, ये भी एक बड़ा सा नेगेटिव को बताता है। इसके अलावा डेमोग्राफिक यानी कि हेडिंग लिख देता हूं, डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस देखते हैं हम लोग जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनांकिकी परिणाम। जनांकिकी परिणाम के भी जो है हम इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देख सकते हैं हम लोग, जो किसी जगह का जो पॉपुलेशन को जो इतना बढ़ा देता है कि उसको वहाँ पर वहाँ की जो आवश्यकताएं जो है वो बढ़ जाता है और जो रिसोर्स संसाधन है वो कम पड़ जाते हैं, ये कारण है। दूसरा जो है नेगेटिव इसका देखेंगे हम लोग, नेगेटिविटी वही है कि उसका जो रिसोर्सेस है वो खत्म हो जाता है और जो बैलेंस में चल रहा था वो इम्बैलेंस हो जा गया, यानी कि कहीं पर देखते हैं गांव से छोड़ के गए तो गांव में जो स्किल लेबर्स है वो कम हो जाते हैं क्योंकि लेबर सब शहर की तरफ चले जाते हैं, तो गांव में बचा कौन है, बुजुर्ग और महिला और जो एज अधेड़ उम्र के लोग ही बच जाते हैं और स्किल लेबर जो है मिलता नहीं है, वो क्या होता है गाँव छोड़ कर शहर चले जाते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग जो एज सेक्स कंपोजिशन है, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो लिंग अनुपात है वो भी जो है वो अधिक या कम हो जाता है, यानी कि पुरुष सब निकल गए बाहर तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाता है, खास करके उत्तर पूरे के पूरे जो राज्य में वही हाल देखने मिलता है गांव में। इसके बाद एक और चीज जो है वो देखने को मिलता है, जो राज्य में जाते हैं वहां को बढ़ा देते हैं, जो राज्य से निकलते हैं तो वहां कम कर देते हैं, ये एक बड़ा डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस है। इसके अलावा एक और कंसिक्वेंसेस है सोशल कंसिक्वेंसेस, सोशल यानी कि सामाजिक जो परिणाम है, सामाजिक परिणाम में क्या होता है कि लोग जब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो दे आर द एजेंट ऑफ
सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का ये प्रमुख एजेंट होते हैं। और दूसरा, ये जहां भी जाते हैं वो अपने साथ नए आइडियाज ले जाते हैं और नया जो तकनीक है उनके पास रहता है वो ले जाते हैं, वो भी पॉजिटिव का काम करता है खास करके जो है। और उसके बाद खास करके जो अर्बन से, अर्बन एरिया से फिर रूरल एरिया भी जो है इन्हीं की सहायता से जो वो काम होता है, ये हो गया। दूसरा, कभी कभी हम देखते हैं इसका जो नेगेटिव परिणाम क्या होता है, जब सोसाइटी में ज्यादा लोग गांव से निकल के शहरों में जाते हैं तो वो गुमनाम भी हो जाता है, उनका कोई नाम नहीं रहता और वो कोई ना कोई गुनाह कर देते हैं, गुनाह करके गुमनाम भी घूमते रहते हैं। तो ऐसे में समाज में जो है अराजकता फैलने के जो उम्मीद जो वो बढ़ जाता है, ये हो गया सामाजिक परिणाम। वातावरणीय परिणाम क्या हो गया इसका, एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस देखते हैं। इसमें मैं पहले बताया था, इसमें जो है खास करके जो एनवायरमेंटल जो कंसिक्वेंसेस है, इसमें जब हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की वो ज्यादा लोग पलायन होते हैं, इसमें ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ओवर क्राउडिंग जहाँ पर हर उस चीज को जो है प्रदूषण कर देता है, पानी से लेकर वहाँ का वातावरण को बिल्कुल जो है प्रदूषित कर देता है, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जमीन लैंड है, उसके ऊपर ट्रिमेंडस जो प्रेशर है, जो मतलब उसके ऊपर दबाव बनाता है कि भाई अधिक से अधिक पैदावार करे, अधिक से अधिक गाड़ियाँ हो, ये सब जो है पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो खराब कर देता है। और जब जाते हैं तो वो प्लानिंग से कोई काम नहीं हो पाता है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगा, ओवर क्राउडिंग जो है वो बिल्कुल, और वहाँ पर जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस कॉजेस है या सीरियस जो है वो वहाँ के जो अर्बन एरियाज को जो है वो सीरियस होता है। इसके अलावा बहुत सारे परिणाम और भी हैं जो एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो बच्चों, तो ये था माइग्रेशन जो लेसन, अब ये समाप्त हो चुका है। इसके अलावा इसमें से अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।